पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता रामेंदु सिन्हा रॉय पर बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, उन्होंने टीएमसी नेता पर राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा है, कई आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में तारकेश्वर विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मंच से रॉय ने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर केवल शोपीस है, वो अपवित्र स्थान है, वहां हिंदुओं को भी पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको बताएं कि राम मंदिर पर ममता सरकार के मंत्री का विवादास्पद बयान सामने आने के बाद अब बीजेपी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये शब्द जरूर विधायक के थे, लेकिन ये सोच आदेश ममता बनर्जी का है। लोकतंत्र में जो वोट की चोट होती है, सबसे बड़ी चोट होती है। शब्द ये विधायक के हो सकते हैं, लेकिन ये सोच, ये इशारा और ये आदेश ममता बनर्जी का है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं, महिला विरोधी वो है, ये हमने देखा संदेश खाली में। अब टीएमसी का असली हिंदू विरोधी चरित्र भी सामने आया है। और मुझे याद आता है जब ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि जय श्री राम का नारा लगाया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, ये एक राम भक्त को, हिंदू को कहा था। आज वही मानसिकता इनके विधायक में छलक रही है।